गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस और हार्दिक पटेल के बीच गठजोड़ से भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर किसी प्रकार के खतरे की बात को नकारते हुए कांग्रेस पर जातिवाद का सहारा लेने और विभिन्न जाति के नेताओं से चुनाव प्रचार कराने का आरोप लगाया है। रूपाणी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को धोखा दे रही है, वही दूसरे और आंदोलन करने वाले लोग चुनाव के लिए टिकट चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हार्दिक को मीडिया निर्मित नेता बताया, साथ ही कहा कि पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल का दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को खुला समर्थन कोई चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ है। उन्होंने गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गप्पीदास बताया और उन पर भाजपा शासित प्रदेश के बारे में मनगढ़ंत आंकड़ा पेश करने के आरोप लगाए। भाजपा नेता ने कहा कि जो मुझे समझ आया है उस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। उन्होंने आरक्षण की मूल मांग को एक तरफ रख दिया है और आंदोलनकारी कांग्रेस का टिकट पाने के लिए लाइन में लगे हैं। वह गुजरात चुनाव में पटेल के कांग्रेस को समर्थन देने से पड़ने वाले असर के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है कि वह पाटीदारों को आरक्षण कैसे देगी और वह कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं।